देखिए इस सवाल को देखिए, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एक ट्राइंगल का तीन वर्टिसेस होता है, उन तीनों का पोजीशन दिया हुआ है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में होता तो हम हर वर्टिक्स का पोजीशन एक जोड़ा नंबर बताते, x1, y1, x2, y2, x3, y3। आर्गन प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसका हम पोजीशन बताने के लिए एक नंबर बताएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तीन पॉइंट है, कोई एक ट्रायंगल है जिसका एक पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन है z, आप इस वेक्टर को समझ सकते हैं z, और दूसरा पॉइंट है i टाइम्स z, इसी को अगर i से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर रोटेट कर जाता है बाय 90 डिग्री। यू नो दिस, iz मतलब I को लिख सकते हैं पोलार फॉर्म में e to the power i pi by 2 times z। तो z कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम 1 e to the power i pi by 2 ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर जाता है और मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता। तो दिस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होगा आई जेड, अगर इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन z है तो, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z प्लस आई जेड। इन दोनों वेक्टर को हम लोग अगर ऐड करें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से तो ये पॉइंट है z प्लस आई जेड। दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दोनों के टेल को कोइंसाइड करके एक चित्र बनाए, पैरेललोग्राम कंप्लीट किए, एंड दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स z1 प्लस z2। तो इसी ट्रायंगल का एरिया कह रहा है कि 50 स्क्वायर यूनिट्स है, देन फाइंड मॉड z, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हम इस सवाल को अभी ज्योमेट्रिकली बना के दिखा रहे हैं और फिर उसको एनालिटिकली बना के भी दिखाएंगे, दोनों समझना बहुत जरूरी है। कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है जिसका दूरी ओरिजिन से हमसे पूछ रहा है, मॉड z का मतलब ये है, ये एरिया अगर दिया है 50 स्क्वायर यूनिट्स, ये एक स्क्वायर बन गया है, अगर ये लंबाई मॉड z है तो ये लंबाई भी मॉड z है, तो यहां एक स्क्वायर बना हुआ है। तो ये इतने का एरिया अगर 50 है तो पूरे स्क्वायर का एरिया 100 हो गया, यानी मॉड z इंटू मॉड z बराबर 100, एंड देयरफॉर मॉड z का वैल्यू 10। इसको एक और तरीका से बनाते हैं, लेट z बराबर हम मान लें x प्लस आई वाई, यानी हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लें x, y, इसको i से गुना करेंगे तो ix - y, इसको हम -y + ix लिख रहे हैं, यानी तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा -y, x। और z प्लस iz का मतलब ऐड कर दीजिए x - y + i times x plus, यानी तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा x - y, x + y। अगर हम मान लें z बराबर x, y ऐसा माने तो iz जिस पॉइंट को भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर से उसका कोऑर्डिनेट्स होगा ऐसा, या ऐसा कह सकते हैं उस पॉइंट का रियल पार्ट माइनस वाई होगा, इमेजिनरी पार्ट एक्स होगा। और जिस पॉइंट को भी हम जेड प्लस आई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉइंट का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ब्रैकेट में कॉमा करके लिख दिए। ऐसे भी लिखते हैं जैसे कैसे वेक्टर्स को हम लोग लिख देते थे 2 - 1, 3, रादर देन राइटिंग 2i - j and 3k। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3, 4, द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। हाँ, ये बताना जरूरी है कि आप ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख रहे हैं कि पोलार, क्योंकि अगर पोलार फॉर्म में लिख रहे हैं तब आप इसका मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं और ये आर्ग्यूमेंट, अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो आप 3 + 4i मीन कर रहे हैं, और अगर ये पोलार फॉर्म में है तो 3 × e to the power i 4 मीन कर, दैट इज द एंगल 4 radians, and this is the magnitude.
और अब हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एक डिटरमिनेंट बनाएंगे एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन एक्स माइनस वाई एक्स वाई वन, इसका मॉड, मॉड ऑफ दिस, ये हुआ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी जो कि दिया हुआ है इक्वल टू 50, यानी कि इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे और उसका मॉड लेंगे, उसका वैल्यू दिया हुआ है 100। हमको खोजना क्या है सो क्लियर होना चाहिए, हमको ये z का वैल्यू नहीं खोजना है, हमको मॉड z खोजना है। z का वैल्यू खोजना मतलब दो चीज खोजना, उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट खोज दीजिए, या उसका मैग्नीट्यूड और उसका आर्ग्यूमेंट खोज दीजिए। z खोजने का मतलब दो चीज खोजना, हम सिर्फ मॉड z पूछ रहे हैं, यानी z का एक हिस्सा पूछ रहे हैं, वन पार्ट ऑफ z। तो अगर हम z को मानते हैं x प्लस आई वाई, तो मेरे सवाल में x और y का वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा है, हमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, और कंडीशन भी एक ही दिया है, एक ही इक्वेशन है मेरे पास, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन से हम एक्स और वाई का यूनिक वैल्यूज नहीं ढूंढ पाएंगे। देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या रिलेशन आता है, एक्स इंटू दिस माइनस दिस, तो एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो माइनस वाई बचेगा, प्लस वाई गुने दिस माइनस दिस, एक्स माइनस वाई प्लस वाई इट इज एक्स, प्लस वन गुने माइनस वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस वाई, ये इक्वल टू 100। ये कैंसिल आउट कर गया और यहां देखे क्या मिलता है, यहां माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि हमको मॉड लेना है लेफ्ट हैंड साइड, तो मॉड लीजिएगा तो सिर्फ इतना बचेगा, बराबर 100 मिला। तो हमको एक इक्वेशन मिला है इन एक्स एंड वाई, एक रिलेशन मिला है एक्स और वाई, इस रिलेशन से हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते हैं। हाँ मैंने आप इसी को रोटेट कर दीजिए ना, इस चित्र को रोटेट कर दीजिए, तब भी तो एरिया वही रहेगा, एज लॉन्ग एज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हम चूज करते हैं 10। ये 10 यूनिट्स लंबा एक हम कोई वेक्टर बनाए होते किसी दिशा में, आप वही चित्र फिर से हम बनाते, हम ऐसे बना लेते z को, ऐसे बना लेते iz को, तब यहां होता z प्लस iz, तब भी तो एरिया वही आता। सो देयर इज नॉट वन यूनिक पॉइंट z, देयर आर इनफिनाइट पॉइंट्स। हमको सिर्फ ऐसा कोई भी z जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका एक पार्ट चाहिए था, द मॉड पार्ट। तो आपको कुछ करना नहीं था, जो लिखा है उसको सिर्फ मैथमेटिक्स के भाषा में ट्रांसफॉर्म करना था, अपने आप वही रिलेशन आ जाएगा जो पूछा है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम दिए हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए, पोलर फॉर्म में नहीं, समथिंग प्लस आई टाइम्स समथिंग, उसको यहां लिख लेते हैं, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू इज सेम एज माइनस कॉस 60 डिग्री विच इज माइनस हाफ, तो हाफ प्लस साइन 120 डिग्री इज सेम एज साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री विच इज रूट 3/2, यानी ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर पोलर फॉर्म में कहिएगा कि लिख दीजिए, हाँ तो लिख देंगे जब उसका रियल पार्ट पता हो गया और इमेजिनरी पार्ट पता हो गया,
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट हाफ, इमेजिनरी पार्ट रूट थ्री बाई टू, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग कर। इसको हमको पोलर फॉर्म में अगर लिखना है तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जो कि वन होगा, और इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए क्योंकि ये रूट थ्री इज टू वन है, तो टेन थीटा बराबर दिस बटे दिस, तो 60 डिग्री आया पाई बाई थ्री, तो ये ई टू द पावर आई पाई बाई थ्री। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, पोलर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और अर्गन प्लेन में उसको एक वेक्टर के रूप में हम ऐसे इमेजिन करेंगे। कुछ क्वेश्चन, फाइंड रियल पार्ट ऑफ z टू द पावर 5, यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी से गुना करना है 5 बार, और फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल पार्ट बताना है। तो गुना करने के लिए यही फॉर्म अच्छा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हाफ आई टाइम्स रूट थ्री बटे टू टू दी पावर 5, ये बहुत परेशान हो जाएंगे हम लोग कर लेंगे, हम लोग जानते हैं 5c0 टाइम्स हाफ टू द पावर 5 प्लस 5c1 हाफ टू द पावर 4 इंटू आई रूट थ्री बाई टू टू द पावर 1 डॉट 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 5c5 इंटू आई रूट थ्री बाई टू टू द पावर 5 ऐसे एक्सपेंड करेंगे। बट बेवकूफ़ी होगा, ये होशियारी है कि हम इसी को टू द पावर 5 रेज कर दें, यानी z टू द पावर 5 तुरंत बता दिए e टू द पावर आई 5, 5। यानी हम इस सवाल में सिर्फ ये आपको याद दिला रहे हैं कि अगर गुना करने के लिए जब कहें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, z टू द पावर 5 हमने गुना करना, तो पोलार फॉर्म ही उचित है, गुना हो गया। इसको अगर अब हम रियल पार्ट पूछ रहे हैं तब इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में फिर ट्रांसफॉर्म कीजिए, यहां 1 है, एंड दिस मीन्स सिंपली cos theta प्लस i sin theta, तो ये cos ऑफ 5 पाई बाई 3 है प्लस i टाइम्स sin ऑफ 5 पाई बाई 3 है, और हम सिर्फ रियल पार्ट पूछ रहे हैं, इट इज cos ऑफ 5 पाई बाई 3, दैट इज द आंसर। ये कितना हुआ, इसको cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, यानी cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, विच इज कॉस ऑफ पाई बाई 3, यहां पे है ये पॉइंट, 360 में से 60 कम यहां पे, तो उसका कोसाइन वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होगा चूंकि आ रहा है कॉस 60 विच इज हाफ। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम दिए हैं, न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा टू दी पावर 4, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी से 4 बार गुना करना है। फिर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है टू दी पावर 3, उसको 3 बार गुना करना है, फिर दोनों को डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना है, तब उसका इमेजिनरी पार्ट बता देना है, मतलब केवल गुना भाग करने आपको आता है कि नहीं वही टेस्ट करना है। तो वही याद रखना है कि गुना करना है तो पोलर फॉर्म में होना चाहिए, या भाग देना है तो भी पोलर फॉर्म में, अभी नहीं है पोलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में लिखना होगा। अगर कहीं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा देखते हैं तो वो हम तुरंत लिख देते हैं, या कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा मतलब प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा, तो उसको भी तुरंत लिख देते हैं, वन मैग्नीट्यूड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसको हमको पोलर फॉर्म में लिखना होगा, तो हम उसको सोचे हैं न्यूमरेटर में जो लिखा है उसमें से आई कॉमन लेते हैं ताकि वो कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई आई टाइम्स साइन 2 थीटा होल टू द पावर 4, आई 1 बाई आई को हम माइनस आई लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आई से
तो ये आई रह जाएगा और यहां आई स्क्वायर की जगह माइनस। हम कुछ उपाय सोच रहे हैं सरल सा, कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा टाइप का दिख जाए तो हम तुरंत लिख देंगे, हम को आर्ग्यूमेंट निकालने के झंझट से बच जाएंगे। और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसमें भी हम माइनस आई कॉमन ले लेते हैं, माइनस आई का क्यू, ताकि ये कॉस थीटा प्लस वन बटे माइनस आई टाइम्स साइन थीटा का क्यू, और इसको हम ऊपर नीचे अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे में प्लस वन हो जाएगा और ये प्लस आई से। अब सरल हो गया, आई टू द पावर फोर का मतलब माइनस वन का स्क्वायर विच इज वन, और डिनोमिनेटर में माइनस आई का क्यूब, माइनस वन का क्यूब अलग से निकाल लीजिए और आई का क्यूब अलग से, तो माइनस वन का क्यूब हो गया माइनस और आई का क्यूब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई यानी प्लस आई हो गया। ऊपर नीचे एक आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर तो बगल में माइनस आई हो गया। इसको लिख दिए हम ई टू द पावर माइनस आई टाइम्स टू थीटा या कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं ई टू द पावर आई टाइम्स माइनस अल्फा टू द पावर फोर है, और इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा टू द पावर थ्री। अब हो गया, रेक्टेंगुलर को पोलार में लिखे, रेक्टेंगुलर को पोलार में गुना हो गया e टू द पावर माइनस आई टाइम्स एट थीटा और e टू द पावर आई टाइम्स थ्री थीटा, और अब डिवाइड भी हो गया, ऊपर में हो गया e टू द पावर माइनस आई टाइम्स इलेवन थीटा, ऊपर में है ना माइनस एट आई थीटा और ये रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस थ्री आई थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, माइनस आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस ऑफ 11 थीटा माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ 11 थीटा, मतलब ये इस तरह से था, लिखे वैसे हम लोग हैं बट ये एंगल था, सो दिस मींस कॉस ऑफ इतना प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ इतना, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है तो साइन ऑफ माइनस 11 थीटा हो गया माइनस साइन 11 थीटा, कॉस ऑफ माइनस 11 थीटा हो गया कॉस 11 थीटा, और अब हम माइनस आई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई टाइम्स कॉस ऑफ 11 थीटा और आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक और माइनस माइनस साइन ऑफ 11 थीटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को केवल सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह रहे थे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का ए प्लस आई टाइम्स बी के रूप में लिखिए, इसका इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए, तो इमेजिनरी पार्ट ये है आई के साथ जो गुना होता है माइनस कॉस 11 थीटा, दैट इज द इमेजिनरी, एंड द रियल पार्ट इज माइनस साइन 11 थीटा। यहां देखिए एक स्टेटमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लिखा है a टाइम्स z प्लस बी डिवाइडेड बाई z प्लस वन, ये एक नंबर है कॉम्प्लेक्स है, उसका इमेजिनरी पार्ट कह रहा है कि y के बराबर है, सम अनदर नंबर y, और यहां लिखे हैं कि यहां a b x और y ये सब प्योरली रियल नंबर्स है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है और a माइनस बी का वैल्यू वन दिया हुआ है, और मतलब a और b का वैल्यूज नहीं दिया है, इतना बता देने से थोड़े ही a और b का वैल्यूज फिक्स हो जाता है, इनफाइनाइट पॉसिबल ऑप्शंस है, इतना जानकारी है। और यहां एक बात और लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू x प्लस i, मतलब यहां जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका जो रियल पार्ट है उसको x कह रहे हैं और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y बोल रहे हैं, तो आपको x का वैल्यू निकालना है, मतलब यहां जो आंसर आएगा उस आंसर में a b y ये सब प्रेजेंट हो सकता है,
चार ऑप्शन दिया है, उसमें से चारों ऑप्शन एक्सप्रेस्ड है एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। चलिए देखें। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इसमें हम z के जगह x प्लस आई वाई डाल दें तो ए एक्स प्लस बी प्लस आई टाइम्स ए वाई, और यहां हम x प्लस वन प्लस आई वाई लिख दें, और अब हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यही करते हैं डिवीजन करते वक्त, कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो यही करते हैं। अब डिनोमिनेटर एक प्योरली रियल नंबर हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अल्फा प्लस आई बीटा को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात, हम लोग को अक्सर जरूरत पड़ने वाला है, तो प्योरली रियल नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इनफैक्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, न्यूमरेटर में रियल पार्ट ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और इन दोनों को गुना करेंगे तो एक और रियल नंबर आएगा प्योरली, प्लस ए टाइम्स वाई स्क्वायर। रियल पार्ट लिखने का हम लोग को आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, और उसको इक्वेट करेंगे हम विद द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। फिर भी लिख लिए हम लोग एंड द इमेजिनरी पार्ट आई टाइम्स, यहाँ एक टर्म होगा ए वाई गुने एक्स प्लस वन और माइनस वाई गुने ए एक्स प्लस बी, एंड देयरफॉर वी हैव द इमेजिनरी पार्ट। नाउ इन दोनों में से अगर वाई कॉमन ले लें तो ए एक्स और ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ए माइनस बी बचेगा, न्यूमरेटर में ए माइनस बी टाइम्स वाई और डिनोमिनेटर में x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही है इसका इमेजिनरी पार्ट, जो कि सवाल के अनुसार कह रहा है इक्वल टू है द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। a माइनस बी का वैल्यू चूंकि दिया हुआ है वन, तो a और b हमारे एक्सप्रेशन में से गायब हो गया, इसी को सिंप्लीफाई करना है, यानी x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई किए इंटू वाई इक्वल्स वाई, सबको एक तरफ इकट्ठा कर दीजिए तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन टाइम्स वाई इक्वल जीरो, यानी वाई का वैल्यू या तो जीरो है या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू वन है, यानी हमको एक रिलेशन मिल गया एक्स और वाई में। जब रिलेशन मिल गया तो हम y को एक्सप्रेस कर सकते हैं x के टर्म्स में या x को एक्सप्रेस कर सकते हैं y के टर्म्स में। x बराबर लिखना हो इसको इधर ऐड कर दे 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले ले, स्क्वायर था प्लस माइनस, और तब हम माइनस वन ऐड कर दें तो x बराबर माइनस वन प्लस इतना या माइनस वन माइनस इतना। एक एक्सप्रेशन दिया है a प्लस बी टाइम्स ओमेगा प्लस सी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा क्यूब इक्वल्स वन एंड ओमेगा नॉट इक्वल टू वन, यानी हम बताना चाह रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में ओमेगा क्या है, तो लिखे हैं कि ओमेगा का क्यूब करने पर वन के बराबर होगा और ओमेगा का वैल्यू वन नहीं है, ओमेगा क्यूब बराबर वन, कोई भी ओमेगा नंबर है जिसका क्यूब करने पर वन हो, तो इसके बारे में हम अब समझ सकते हैं कि ओमेगा क्या क्या या क्या हो सकता है, वन ई टू द पावर आई टू पाई बाई थ्री, ई टू द पावर आई फोर पाई बाई थ्री या माइनस टू पाई बाई थ्री, या वन माइनस हाफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में माइनस आई रूट थ्री बाई टू प्लस आई रूट थ्री। अगर आप एक ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम आप रखे हैं ओमेगा, उसको क्यूब करने पर वन के बराबर हो रहा है, तो हम ओमेगा के बारे में समझेंगे कि यही तीन में से कोई है, लेकिन आप साथ में लिख दिए हैं कि ओमेगा का वैल्यू वन नहीं है। अच्छा,
इसका मतलब ओमेगा का वैल्यू मीन कर रहे हैं इस सवाल में या तो e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 या e टू द पावर माइनस i टाइम्स 2 पाई बाई 3, यही मीन कर रहे हैं। मतलब ऐसा आप रटिए मत कि जब भी हम ओमेगा बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 को मीन कर रहे हैं। हम लोग तो यही सीखे हैं, इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। नहीं, अभी इस सवाल में कह रहा है कि ओमेगा दोनों में से कोई एक को कह रहे हैं। ठीक, और फिर ए बी सी क्या है? दे आर जस्ट इंटीजर्स, नॉट ऑल इक्वल, मतलब तीनों बराबर नहीं है। एक एक्सप्रेशन बनाए हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिनिमम वैल्यू निकालिए। हाँ, मतलब समझिए, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप ओमेगा मीन कर रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 से गुना करें सम इंटीजर और इसके स्क्वायर, ये हो गया तब स्क्वायर। अगर आप इसको ओमेगा बोल रहे हैं तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और अगर आप इसको ओमेगा बोल रहे हैं e टू द पावर माइनस i टाइम्स 2 पाई बाई 3 को, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया e टू द पावर माइनस i 4 पाई बाई 3, यानी इधर से 4 पाई बाई 3, तब ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको ओमेगा बोलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम इसको ओमेगा बोल रहे हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर हम ओमेगा को गुना किए किसी एक इंटीजर 3 से, इसको गुना किए किसी एक इंटीजर से माइनस 2 से, और एक और इंटीजर यहाँ पे 5, इन तीनों को ऐड कर दिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए Z1, एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं समथिंग इंटू ओमेगा प्लस समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस समथिंग, जैसा एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से जितना भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं उनमें से सबसे छोटा मैग्नीट्यूड वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन पाएगा वो पता लगा। फिर से पढ़े सवाल को। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड के बारे में जब बात हो तो यही एकमात्र स्टेटमेंट है जो याद रखना जरूरी होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इक्वल्स जेड टाइम्स जेड बार, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ये रियल नंबर है प्योरली, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुना कर दीजिए तो प्योरली रियल नंबर एक आ जाएगा जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का चर्चा हो कहीं भी सवाल में, सो दिस इज व्हाट यू मस्ट रिमेंबर। तो हम लिख रहे हैं मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर will definitely be equal to इतना का कॉन्जुगेट। हर बार ही करेंगे, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, आगे भी सवाल आएगा। जब भी मॉड जेड का बात होगा, मॉड ऑफ समथिंग, तो हम उसको इस रूप में लिखेंगे, मॉड ऑफ दैट थिंग का स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा। हाँ, मॉड ऑफ उतना चाहिए, हाँ तो रूट ले लेंगे बाद में। अब इसको सिंप्लीफाई करें, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालें। तो कॉन्जुगेट हम लोग बड़ी आसानी से निकालते हैं, सब पे अलग अलग बार डाल देते हैं। ए बार चूंकि वो एक प्योरली रियल नंबर है तो वो ए रह जाएगा, फिर बी बार ओमेगा बार, बी बार इज बी एंड ओमेगा बार, अगर आप इसको ओमेगा बोलते हैं तो ये है ओमेगा बार, उसका कॉन्जुगेट माइनस हाफ प्लस आई रूट 3/2 को ओमेगा बोलते हैं तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस हाफ माइनस आई रूट 3/2 होगा जो कि ओमेगा स्क्वायर के बराबर।
तो ओमेगा का जो कंजुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का जो कंजुगेट होगा वो ओमेगा होगा। इसका कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ओमेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी आसानी से बनता है। केवल आपको ये स्टेप्स पता होना चाहिए कि हम कहां से शुरू करें। ऑलवेज यहीं से आप गुना करें, ए स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा, देयर विल बी 9 टर्म्स, सबको सबसे गुना करना है, प्लस बी ए बी ओमेगा, यहां लिख रहे हैं ओमेगा के सामने, प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, जो कि सिर्फ बी स्क्वायर लिखेंगे, यहां लिख रहे हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, और बी सी ओमेगा स्क्वायर, बी सी ओमेगा स्क्वायर, ये ए सी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर वाला टर्म सब एक साथ लिख रहे हैं, और बी सी ओमेगा टू बी पावर 4 है, विच इज ओमेगा, ओमेगा टू दी पावर 4 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दिस इज 1, सो दिस इज ओमेगा, और सी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा इज सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, विच इज सी स्क्वायर। अब एड कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी वाला 2 टर्म है, उनको एड कीजिएगा तो ए बी टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। हम लोग ओमेगा के बारे में 2 ही चीज जानते हैं, ओमेगा को क्यूब करने पर 1 के बराबर होगा, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तीनों में सिर्फ कोई भी, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निश्चित रूप से 0 होगा। आप ओमेगा इसको बोलिए और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलिए E1, या इसको ओमेगा बोलिए और इसको ओमेगा स्क्वायर, तीनों वेक्टर का सम 0 होगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो ये माइनस ए बी होगा, उसी तरह से माइनस बी सी हो जाएगा, दिस और दिस को ऐड कीजिएगा, अब माइनस सी ए हो जाएगा, ए बी बी सी सी, ये प्योरली रियल नंबर आना चाहिए था, कहीं ओमेगा ओमेगा नहीं दिखना चाहिए था, ओमेगा प्योरली रियल नंबर नहीं है, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप ए बी सी का वैल्यूज तो आप इनफाइनाइट चॉइस है आपके पास, जो मन सो डाल सकते, अब कैसे जानेंगे इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, आप ए के जगह 5 डाल सकते हैं, बी के जगह 7 और सी के जगह -12, और बदल बदल के देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज, हाउ विल वी नो इसका लीस्ट वैल्यू क्या, इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब तक नहीं करेंगे। ये एक एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है जो हम लोग क्लास 10th से जानते हैं, इट इज नॉट न्यू टू अस, अभी भूल जाएंगे तब नहीं लिख पाएंगे, जरा देखिए कि सही लिखे हैं कि नहीं, हम इसको ना थ्रू आउट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2a² 2b² 2c² और एक हाफ से मल्टीप्लाई, अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ले लीजिए -2ab, तो वो a माइनस बी का हो सकता है, एक ए स्क्वायर और सी स्क्वायर ले लीजिए और -2ac, एक बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसके साथ, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बड़ा पॉपुलर आइडेंटिटी है, ये एक बार फिर से देख के और कोशिश कीजिए दिमाग में इसको याद करके बैठने का, अब आप जवाब दे पाएंगे इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगा, निकाल सकेंगे। हम अगर a और b का वैल्यू सेम चुन लें तो ये 0 हो जाएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ये सब एनीथिंग का स्क्वायर वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका लीस्ट वैल्यू पॉसिबल है 0 0 0, अब तीनों को 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि सवाल में कह रहा है कि आप ए बी सी तीनों इंटीजर चुनना है पर तीनों को इक्वल नहीं चुनना है, नहीं तो अगर आप इक्वल चुन लेते 5 + 5 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर, तो देखिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कॉमन लेंगे, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो कीजिए तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा ऑफ 0 मैग्नीट्यूड, तो तीनों को बराबर नहीं चुनना है। अच्छा ठीक है,
तो हम दो को तो बराबर चुन सकते हैं, ए और बी को बराबर, एक जीरो हो जाए, अब बाकी दोनों लिस्ट क्या हो सकता है, वन वन, उससे कम तो हो नहीं सकता है। अब जब जीरो नहीं हो सकता है तो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज वन एंड वन, ये जीरो प्लस वन प्लस वन, उससे छोटा नहीं हो सकता है इसका वैल्यू, अगर ए बी सी को इंटीजर ही चुनना है तो। टू मल्टीप्लाइड बाई हाफ वन, दैट इज द लीस्ट पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, z2, z3, उनके बारे में कुछ जानकारी दिए हैं, मॉड z1, मॉड z2 और मॉड z3 वन है, यानी हम z1, z2, z3 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं बताए हैं, लेकिन हम उनका मैग्नीट्यूड्स बोले हैं वन। मतलब एक सर्कल अगर आप इमेजिन करें सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ रेडियस वन, इसी सर्कल पे वो तीनों पॉइंट कहीं है, यही लिखे मॉड ऑफ z इक्वल वन, यही पे लिखे सर्कल हैविंग सेंटर एट जीरो एंड रेडियस इक्वल टू वन। एनालिटिकली जब भी आप ऐसा स्टेटमेंट देखें मॉड z1 इक्वल टू वन, इसको तुरंत किस रूप में लिखना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, प्योरली रियल नंबर है, सो मॉड z1 का स्क्वायर बराबर 1 लिखा हुआ है, यानी z1 इंटू z1 बार का वैल्यू 1। अगर हम मॉड z1 का वैल्यू कहते कि 2 है तो आप z1 इंटू z1 बार बराबर 4 लिखते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते पहले और मॉड z1 स्क्वायर को z1 इंटू z1 बार लिखते। ये नेसेसरी स्टेप है क्योंकि पूरा सवाल इसी डेटा पे आधारित है, यही बात ही बोले z1 z1 बार का वैल्यू भी 1 लिखा हुआ है, z2 z2 बार का वैल्यू भी एंड z3 z3 बार का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, इतना बात दिया। फिर कह रहा है कि अगर हम इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ले लें और उन तीनों को ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए, हम लोग रेसिप्रोकल लेना जानते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कहिए कि रेसिप्रोकल लीजिए, हम तुरंत ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर वाले नंबर का कॉन्जुगेट्स, रेसिप्रोकल हो गया 3 माइनस 4 आई बटे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जब हमको z1 का कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल लेना है तो हम 1 बटे z1 को कैसे लिखेंगे, हम तुरंत ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे z1 को z1 के कॉन्जुगेट से, आदत डालिए, रेसिप्रोकल लेना मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर के। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो एक्चुअली में यही लिखा है, दिस प्लस z2 बार बटे z2 बार प्लस z3 बार बटे z3 बार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कह रहा है कि 1 के बराबर है। तो z1 प्लस z2 प्लस z3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बताइए, कुछ करना नहीं है, एक ही बात ही बोला है अदर देन दिस। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाए, आ गया है ये 1 है, 1 1, यानी हमको z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1, ये गिवन है, इसी को हम खाली सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसी से लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, यानी z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार का मैग्नीट्यूड 1 है, ये प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट से हम लोग जानते हैं, और मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू 1 ये भी जानते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर z लिखते हैं r e टू द पावर i थीटा तो z का कॉन्जुगेट लिखते हैं वही r e टू द पावर माइनस i, अगर z लिखते हैं x प्लस i y तो कॉन्जुगेट लिखते हैं x माइनस i y, मैग्नीट्यूड हुआ रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका भी वही रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y।
इफ जेड इक्वल्स इतना, हाँ मैंने देखते के साथ तुरंत बात समझ जाना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बात हो रहा है। जब तक थीटा बताइएगा नहीं तब तक कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं हुआ, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड वन है पक्का, चाहे थीटा कुछ भी रहे। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर निश्चित रूप से एक सर्कल पे लाई करता है ऑफ रेडियस वन सेंटर्ड एट ओरिजिन, और इस पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल थीटा है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखा है। इसी को पोलर फॉर्म में हम चाहें तो लिख सकते हैं e टू द पावर आई थीटा। इतना बात हम लोग समझ गए, हम लोग को आवश्यकता होगा तब इस्तेमाल करेंगे। सो द प्रॉब्लम सेज इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन एक सीरीज है जिसका वैल्यू पूछा है, इसका एक टर्म लिखे हैं जेड टू द पावर टू के माइनस वन का इमेजिनरी पार्ट, यानी एक प्योरली रियल नंबर है ये। k का वैल्यू एक से लेके 15 तक वैरी करना है, जैसे k जब बराबर 1 डाल दीजिए तो z स्क्वायर माइनस 1 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर माइनस 1 उसका इमेजिनरी पार्ट एक टर्म हुआ। फिर 2 डाल दीजिए तो z टू द पावर 4 माइनस 1 उसका इमेजिनरी पार्ट, फिर दूसरा टर्म, इस तरह से कुल 15 टर्म तक ऐड करके बताना है इसका वैल्यू क्या होगा फॉर थीटा इक्वल टू 2 डिग्री। यानी लास्ट में हम लोग जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम थीटा के जगह 2 डिग्री डाल देंगे। हमारा जो सीरीज है उसको हम लिख रहे हैं 1 टू 15 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर ऑफ 2 के माइनस। यहां जो हमको ऐड करना है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 डॉट डॉट डॉट, देर आर 15 सच टर्म्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z15। यहां हम अगर k के जगह 1 डालेंगे तो z टू द पावर 1 को हम z1 बोल रहे हैं, k के जगह 2 डालेंगे तो जेड क्यूब को हम z2 बोले हैं, वगैरह वगैरह। तो हमको इन सब को ऐड करना है, इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू k के जगह 1 डालें तो ये जेड टू द पावर 1 होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ k के जगह 2 डालें तो 4 माइनस 1 3, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ के जगह 3 डालें प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म लिख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z टू द पावर 15 डाल दीजिए तो z टू द पावर 29। देर आर 15 टर्म्स जिसको हमको ऐड करना है। हम पहला काम कर रहे हैं, जो डेफिनेशन है वो यूज कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस z क्यूब प्लस z टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 29। यही डेफिनेशन है। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जब ऐड करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू हैज बीन डिफाइंड कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे, और z1 प्लस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जब बनाना हो तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बराबर लिखना है x1 प्लस x2, यानी दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड करके लिखना। और ये एनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है। हम अगर z1 z2 z3 z4 को ऐड करने बोले और कहें कि अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका इमेजिनरी पार्ट केवल बताइए, तो इमेजिनरी पार्ट कैसे बताएंगे आप? इन सब का जो इमेजिनरी पार्ट है वही जोड़ करके यहां लिखा जाता है, और सबका जो रियल पार्ट है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। तो हमको ये बात अगर याद है तो हम लोग तुरंत इसको ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस
प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस प्लस डॉट प्रोडक्ट। अब हम इस सीरीज को ऐड कर सकते हैं, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो है z स्क्वायर, दिस बटे दिस कीजिएगा तो z स्क्वायर आएगा, दिस बटे दिस कीजिएगा तो भी z स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म है z और कॉमन रेशियो z स्क्वायर, तो याद दिला दें a ar ar स्क्वायर। एक ज्योमेट्रिक सीरीज को n टर्म्स तक ऐड करना हो तो फर्स्ट टर्म इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स बटे वन माइनस कॉमन रेशियो, या ऐसे भी लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस वन बटे r माइनस वन, वही लिख रहे हैं। तो हम इसका सम लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर 15 z टू द पावर 30 माइनस वन बटे कॉमन रेशियो माइनस वन, इसका इमेजिनरी पार्ट हमको निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आई बी फॉर्म में लाएंगे तब इमेजिनरी पार्ट दिख जाएगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। डिनोमिनेटर से ही हमेशा परेशानी होता है, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है उसके कॉन्जुगेट से हमको गुना करना पड़ता है ताकि वो प्योरली रियल नंबर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तभी जाकर के आप उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिख पाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो हमेशा सारा ध्यान डिनोमिनेटर पे होना चाहिए कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर में। यहां z स्क्वायर का मतलब है cos 2 थीटा प्लस i टाइम्स sin 2 थीटा, क्योंकि z का मतलब है e टू द पावर i थीटा, तो z स्क्वायर का मतलब है e टू द पावर i 2 थीटा। अगर हम इसको स्क्वायर करते ना इसी रूप में तो भी यही आता, बट दैट वुड हैव बीन फूलिश। अगर z बराबर इतना है तो z क्यूब बराबर क्या होगा, तो तुरंत बताना होगा cos 3 थीटा प्लस i टाइम्स sin 3 थीटा। अगर हम लोग को ये बात समझ में आ गया हो तो मन में हम उसको पोलर में ट्रांसफॉर्म किए, क्यूब किए और फिर उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें। जेड स्क्वायर का मतलब ये माइनस वन यानी कॉस टू थीटा माइनस वन प्लस आई साइन टू थीटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे। लेकिन अभी आसान नहीं हुआ है बात, अब ऊपर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह है कॉस 30 थीटा प्लस माइनस वन प्लस आई टाइम साइन 30 थीटा, और आप इसका कॉन्जुगेट से गुना करेंगे तो कॉस 2 थीटा माइनस वन माइनस आई टाइम साइन 2 थीटा, अब तब डिनोमिनेटर में होगा कॉस 2 थीटा माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ऊपर में इसको 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 तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो न्यूमरेटर में कुछ अल्फा प्लस आई बीटा आ जाएगा, आई डिनोमिनेटर को हम कुछ गामा बोल रहे हैं, तब इमेजिनरी पार्ट दिखेगा। यानी बड़ा मेहनत लग रहा है करने में, मतलब ये पहले क्लियर हो जाइए जो हम आपको बता रहे हैं। न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू और डिनोमिनेटर में एक जेड थ्री है, जेड थ्री तो आप ऊपर नीचे जेड थ्री बार से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिनोमिनेटर में तो प्योरली रियल नंबर हो गया। अब ऊपर में इन तीनों को गुना करना होगा ना, ये एक्स वन प्लस आई वाई वन फॉर्म में है, एक्स टू प्लस आई वाई टू फॉर्म में है, ये x3 प्लस आई वाई थ्री फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में नहीं है। आप इसको पोलर फॉर्म में लिख भी लीजिएगा e टू द पावर i थीटा, लेकिन फिर इसको पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बड़ी मेहनत लगेगा। अगर ये तीनों को पोलर फॉर्म में लिख लेते तो तुरंत हम लोग उसको गुणा करते, लेकिन ये सब करने के पहले जब आपको पता ही है कि बहुत मेहनत है थोड़ा सा सोच लेते हैं शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। एक इंपॉर्टेंट बात है जो
हिडन डेटा इसमें है जो हम लोग इस्तेमाल अभी तक नहीं किए, वो ये कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का बात कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी जेड इंटू जेड बार बराबर 1 दिया है, दैट इज द हिडन डेटा इन दिस क्वेश्चन। तो हम यहां 1 के जगह अगर जेड जेड बार लिख दें और एक जेड कॉमन ले लें, नाउ दिस बिकम्स वेरी सिंपल। अब ये जेड कैंसिल आउट हो जाता है और जेड माइनस जेड बार, अगर z बराबर cos थीटा प्लस i sin थीटा है तो z बार बराबर cos माइनस i sin थीटा होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो अब ये 2i sin थीटा है। अब बहुत आसान हो गया ये, ऊपर में cos 30 थीटा माइनस 1 प्लस i टाइम्स sin 30 थीटा हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ ऊपर नीचे i से गुणा करना है, नीचे में हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा और ऊपर में i टाइम्स इतना cos 30 थीटा माइनस 1 और माइनस साइन 3 थीटा। और अब इसका इमेजिनरी पार्ट हमको चाहिए, यही वाला टर्म है इमेजिनरी पार्ट, 1 माइनस cos 30 थीटा लिख दे रहे हैं जो कि माइनस है, और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन थीटा, That is the answer। और अब थीटा के जगह कहा है कि 2 डिग्री डालना है तो डालते हैं 2 डिग्री, तो ये cos of 60 डिग्री हो जाएगा which is half, तो 1 minus half is half, तो 1 by 4 times sin of 2 डिग्री। यहां थीटा के जगह 2 डिग्री लिखेंगे तो वो 2 डिग्री ही रहेगा, ऑप्शन में ऐसा वाला होगा, हम लोग टिक करेंगे। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था वो यही, अगर हम नहीं रियलाइज करते, देखिए अब आसान हो गया इसका रेसिप्रोकल निकालना। डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का कोई नंबर हो a प्लस आई बी, इसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो कठिन है, ऊपर नीचे हमको a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करेंगे निकल गया, लेकिन अगर प्योरली रियल नंबर हो तब तो कुछ करना ही नहीं है, तब तो इट इज द नंबर रिमेन्स एज इट इज। और अगर प्योरली इमेजिनरी हो तब इसके तुलना में काफी आसान है रेसिप्रोकल निकालना, सिर्फ हमको ऊपर नीचे आई से गुना करना पड़ता है। अब वही हो गया, जेड माइनस जेड बार कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाता है, और ऐड करने से प्योरली रियल नंबर। ग्रेट अमाउंट ऑफ लर्निंग इन दिस क्वेश्चन। एक इक्वेशन दिए हैं जेड में, जेड इंटू जेड बार का क्यूब प्लस जेड बार इंटू जेड क्यूब का वैल्यू 350 दिया हुआ है। ये एक इक्वेशन नहीं होता है, ये दो होता है, क्योंकि अगर हम z के जगह, z एक अननोन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, खोजना है एक नंबर, तो हम z के जगह लिखेंगे मान ले x प्लस आई वाई, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो कुछ a प्लस आई बी फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, और राइट हैंड साइड कुछ दिया हुआ है, अभी तो 350 लिखा हुआ है प्लस आई टाइम जीरो, सो दिस इक्वेशन एक्चुअली मींस ए बराबर दिया हुआ है 350 और बी बराबर जीरो, और ये ए जो होगा उसमें एक्स और वाई को इन्वॉल्व करता हुआ एक्सप्रेशन होगा और बी में भी, तो आपको दो इक्वेशन मिलेगा एक्स और वाई में, यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यूज ढूंढ सकते हैं। यानी अगर इसका सॉल्यूशन आता है x बराबर x1 x2 एंड करिस्पोंडिंग y का वैल्यूज आता है y1 y2, तो आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ दिए x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई,
तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने वाला चार कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मिलकर के एक रेक्टेंगल बनाता है. फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. यानी हम समझ गए इसको सॉल्व करेंगे तो आर्गन प्लेन में देर आर फोर सच नंबर्स जिनका पोजिशनिंग ऐसा होगा कि वो चारों मिलकर के एक रेक्टेंगल बनाता होगा. हमको उसका एरिया निकालना. तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. शुरू करेंगे लेट जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई. थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इसमें से हम जेड इंटू जेड बार को कॉमन ले लेते हैं. जेड इंटू जेड बार तो यहां बचेगा जेड बार स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब हम जेड के जगह अगर एक्स प्लस आई वाई पुट कर रहे हैं तो यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये इसको स्क्वायर कर रहे हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आई एक्स वाई आई टाइम्स ट्वाइस एक्स और जेड बार का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर करते हैं आप तो वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई टाइम्स टू एक्स वाई. ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया और दिस इंटू दिस हो गया x टू द पावर 4. ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो बार आया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू टू. टू से डिवाइड कर दें तो 175. इस क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन है वो ये कि यहां कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है x और y वो दोनों सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है नेचुरल नंबर्स. x कॉमा y आर नेचुरल नंबर्स. ये डेटा दिया हुआ है. यहां इंपॉर्टेंट है ये बात अभी क्योंकि आपको एक ही इक्वेशन बना. हम आपसे कहे थे कि यहां दो इक्वेशन है पर एक ही बना क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई जब किए तो वो प्योरली रियल एक एक्सप्रेशन आ गया. अगर प्योरली रियल सम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई प्लस आई टाइम्स सम एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई इस रूप में ट्रांसफॉर्म होता तब ना आप इतना बराबर 350 लिखते और इतना बराबर शून्य लिखते तब आपको दो इक्वेशन आता. पर सिंप्लीफाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक प्योरली रियल एक्सप्रेशन आ गया है तो आपको एक ही इक्वेशन बना है. यानी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यूज नहीं निकाल सकते. एक रिलेशन मिला है एक्स और वाई में एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4 का वैल्यू 175 के बराबर होना चाहिए. अनगिनत च्वाइसेज आपके पास अब हो गया. आप एक्स का वैल्यू कुछ चुन लीजिए वाई का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. लेकिन अगर ये कंडीशन भी साथ में दे दिया जाए कि यहां एक्स और वाई सिर्फ नेचुरल नंबर्स है तब शायद हम कुछ कोशिश कर सकते हैं. क्या करेंगे देखते हैं. हम इसको जरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. 5 से डिवाइड करें अगर इसको तो 5 इंटू 35. अगर हम इसको एक बार और 5 से डिवाइड कर दें तो 5 इंटू 5 इंटू 7. यानी इस नंबर का प्राइम फैक्टर्स है 557. यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं या तो 5×35 के रूप में. हम समथिंग इंटू समथिंग के रूप में लिखना चाह रहे हैं. समथिंग इंटू समथिंग. इस नंबर को हम 5×35 के रूप में लिख सकते हैं या 7×25 के रूप में लिख सकते हैं. यही दो विकल्प है जिसमें हम लिख सकते हैं. ये बड़ा नंबर है ये छोटा. यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 35 हो जाए ऐसा कोई दो नेचुरल नंबर हो एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5 हो जाए ऐसा कोई दो नेचुरल नंबर हो तब एक उपाय है या
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू 7 हो जाए, ऐसा हो जाए। अब इसको सॉल्व करके हमको देखना होगा कि पॉसिबल आंसर्स क्या है। अभी सॉल्व हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो 2x² बराबर 40, x² बराबर 20। अब x का जो वैल्यू आया वो नेचुरल नंबर नहीं आया, तो ये नहीं पॉसिबल है, दिस चॉइस इज अनएक्सेप्टेबल। इसमें हम लोग ऐड करें तो 2x² बराबर 32, x² बराबर 16, हाँ x का वैल्यू प्लस माइनस 4, नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर देना होगा, तभी चार सॉल्यूशन आएगा। नहीं तो केवल अगर नेचुरल नंबर दे दीजिएगा तब x का एक ही सॉल्यूशन हमको लेना होगा। तो x का वैल्यूज आ सकता है प्लस माइनस 4, और अगर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2y² बराबर 18, y² बराबर 9, y का वैल्यूज हो सकता है प्लस माइनस 3। यानी कि पॉसिबल सॉल्यूशंस इसका हुआ 4 + 3i, x का वैल्यू 4 ले लें, y का वैल्यू 3। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 3i जो इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुणा कीजिए, फिर इस सब कीजिए तो 350 हो जाएगा। 4 - 3i माइनस 4 + 3i माइनस 4 - 3i, देर आर 4 सॉल्यूशंस। अब इनको हम लोग आर्गन प्लेन में बनाए, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल कर लेते हैं, चार वर्टिसेस, एक 4, 3, 4, 3 एक पॉइंट है, एक 4, -3 है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो पैरेलल टू दी वाई एक्सिस हो जाए, एक -4, 3 और एक -4, -3। तो एक रेक्टेंगल दिख रहा है हम लोग को, इसका एरिया निकालना है। ये लंबाई हो गया 8 और ये लंबाई हो गया 6, सो द आंसर इज 48। एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहां ओमेगा लिखा हुआ है e^i 2π/3 है और इसमें z अननोन है। आपको निकालना है the नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट solutions, माने इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो z का कितना वैल्यूज आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये इक्वेशन है, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं हम लोग, z + 1 × this into this, z² + ω² + ω²(z) + ω³, इसको 1 लिख दे रहे हैं, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 लिखेंगे तो z² - z + 1 -1, तो खाली z² - z लिख देते हैं। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर माइनस, जब कीजिएगा ओमेगा z और एक ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा माइनस ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ओमेगा माइनस दिस इनटू दिस कीजिएगा तो एक ओमेगा आएगा, यहां ओमेगा टू दी पावर 4 इज ओमेगा, तो बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर z, ये इक्वल टू 0। यही इक्वेशन दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर z है और यहां माइनस ओमेगा टू दी पावर 4 को ओमेगा लिख लें। इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन ले लें z को, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिख लें -1, तो ये सिर्फ प्लस z ऐड करके हो गया, तो z + 1 × z² - z + z।
और मल्टीप्लाई करें जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड इक्वल टू जीरो, सब कैंसिल आउट होकर के सिर्फ बच गया जेड क्यूब बराबर जीरो। यानी ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो सिंपल है जेड क्यूब लेफ्ट हैंड साइड, जेड क्यूब बराबर जीरो, इसका एक ही सॉल्यूशन है जेड बराबर जीरो। देयर इज ओनली वन कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका क्यूब करने पर जीरो होगा, दैट इज जीरो। तो क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस, द आंसर इज वन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है w बराबर z माइनस 1 बटे z प्लस 1। अब क्वेश्चन है रियल पार्ट ऑफ w ढूंढिए बस। तो मेरे पास जो तरीका यह है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई फॉर्म में ले आए a प्लस आई बी फॉर्म में, तो a पूछ रहा है मेरे पास एक विकल्प ये भी है कि रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दें उसके कॉन्जुगेट को और हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात सब है जो हम लोग को कैरी करना चाहिए ऑल द टाइम। इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम या तो इसको सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी फॉर्म में ले आए तब इमेजिनरी पार्ट बता दो, या हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करके और 2i से डिवाइड करें और मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुना करेंगे। ये तीन बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जरूरत पड़ता है। तो हम सोचे हैं यही करेंगे, हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पूरे का कॉन्जुगेट लेंगे तो z बार माइनस 1 बार बटे z बार प्लस 1 बार ऐसा लेंगे। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, अब सीधे आंसर आ रहा है, जो भी आएगा एक्सप्रेशन वो प्योरली रियल नंबर आएगा। वही क्वेश्चन, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करके और z माइनस 1 इंटू जेड बार प्लस 1 प्लस जेड बार माइनस 1 इंटू जेड प्लस 1, वो सब कुछ जो आप रियल नंबर्स के का जो अलजेब्रा था वो सब यहां पे वैलिड है। ऊपर में z z बार दो बार आएगा, 2 टाइम्स z z बार प्लस z माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां माइनस z बार और प्लस z बार कैंसिल आउट हो जाएगा, अब माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, डिनोमिनेटर को देखने का अब जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर कुछ भी हो ऊपर में अब जीरो हो चुका है, क्वेश्चन में दिया हुआ है z z बार बराबर 1, तो डिनोमिनेटर आई डोंट नीड टू चेक नाउ, दिस विल बी जीरो। यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है रूट 3 प्लस आई टू द पावर 100, कह रहा है कि ये मान लें कि इक्वल टू है सम नंबर इंटू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रूट 3 प्लस आई टू द पावर 100 जो भी नंबर है अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिख दें रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 2 आई टू द पावर आई टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई रूट 3 तो ई टू द पावर आई टाइम्स पाई बाई 6 टू द पावर 100, तो ये 2 टू द पावर 100 हुआ ई टू द पावर आई टाइम्स 100 पाई बाई 6 है विच इज 50 पाई बाई 3। तो आपको कह रहा है कि तब
ए प्लस आई बी ए स्क्वायर प्लस आई बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। हम अगर कंपेयर करें तो यही है ए प्लस आई बी, हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो इसमें से 2 टू द पावर 99 को पहले अलग कीजिए, इनटू 2 कीजिए, अब कंपेयर कीजिए, तो यही है ए प्लस आई बी और हमको इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर मैग्नीट्यूड होता है, जो कि हमको दिख रहा है कि इक्वल टू 2 है। देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 होगा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप में एक्सप्रेस कीजिए और तब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताइए। यही क्वेश्चन। हम इसको ऐसे भी बना सकते थे कि अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो, वन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी इक्वल होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बस आई जहां जहां दिखे वहां माइनस आई, और इसका कॉन्जुगेट वो भी इक्वल होगा। इफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर 2, तो दोनों तरफ के कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट ले लें वो भी इक्वल होगा। अब बस दोनों तरफ गुना कर दीजिए, क्योंकि a प्लस आई बी को हम a माइनस आई बी से क्यों गुना करना चाहते हैं, यही तो सीखे हैं। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से गुना करने से उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाता है। तो राइट हैंड साइड 2 टू द पावर 99 इंटू 2 टू द पावर 99 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, गुना कर रहे हैं। और लेफ्ट हैंड साइड गुना कीजिएगा तो रूट 3 प्लस आई इंटू रूट 3 माइनस आई होल टू द पावर 100 है मिलेगा, विच इज 3 प्लस 1 4 टू द पावर 100, विच इज 2 टू द पावर 200। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मालूम हो जाएगा वैल्यू। ये 2 टू द पावर 198 लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो 2 टू द पावर 2 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4। दोनों सीखना जरूरी है जो आपको हम अभी बताएं, कि हमसे जब पूछा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो हमको इस बात को समझना था कि हम अगर a प्लस आई बी को अगर उसके कॉन्जुगेट से गुना कर पाए तो हमको उसका a वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाए। यहां ए बी सी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वन सिंगल रो और 3 कॉलम, ये 1x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इधर फिर 1x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये जो कुछ भी लिखा है वो स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है कि क्या लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड एक मैट्रिक्स गुने अनदर मैट्रिक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड एक और मैट्रिक्स। तो हम पहले गुना करके दिखाते हैं, ये 1x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स से गुना कीजिएगा तो 1x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा, यानी एक रो 3 कॉलम, यानी लेफ्ट हैंड साइड 3 एलिमेंट खाली ढूंढना है। ये एलिमेंट होगा दिस इंटू दिस, यानी ए प्लस 8b प्लस 7c, और दूसरा एलिमेंट होगा दिस इंटू दिस, 9 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 3 टाइम्स सी, और लास्ट होगा दिस इंटू दिस, 7a प्लस 7b प्लस 7c। यहां लिखा हुआ है इक्वल टू लिखे हैं 0 0 0, तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके, यही पहले से डिसाइड किए हैं, तभी ना हम ऐसा लिखेंगे तो आप क्यों समझेंगे ऐसा, क्योंकि पहले से तय हुआ है, यानी हम यही लिखे हैं यहां। यही एक इक्वेशन था जिसमें 3 अननोन था ए बी सी, ये अननोन मैट्रिक्स है, ये नोन मैट्रिक्स है,
ये भी नॉन मैट्रिक्स है, ये कोएफिशिएंट्स था जो यहां लिखा हुआ है। हम इसी को कॉलम के रूप में भी लिख सकते थे एबीसी, इसको भी एक कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते थे, वही हम लोग करते भी थे हमेशा, ऐसे लिखते थे। जब मैट्रिक्स में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसी तरह से लिखते थे अननोन मैट्रिक्स को, ये नोन मैट्रिक्स, यहां लिखते थे अननोन मैट्रिक्स को एबीसी, ए इंटू एक्स बराबर बी, ए होता था उनके कोफिशियंट्स वाला मैट्रिक्स, बी होता था कांस्टेंट टर्म वाला मैट्रिक्स, और ये होता था दी अननोन मैट्रिक्स। तो एक्चुअली यहां पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखा हुआ है इन थ्री अननोन्स एबीसी, और ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इधर सब जीरो है, सारा कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाए तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं होमोजेनियस। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, यानी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या होगा जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? एक सॉल्यूशन पक्का है जो करेगा, वो है जीरो जीरो जीरो, चेक कर लीजिए, जीरो 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 इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी और इसको भी। लेकिन और सॉल्यूशन होगा कि नहीं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, मैंने हो सकता है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होता है जब उसका डेट ए, ए मतलब उसके डिटरमिनेंट, उसके कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट, ए वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो वैसे स्थिति में यानी ये वाला जो मैट्रिक्स ए है अगर वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज सिंगुलर, सिंगुलर मतलब डेट ए इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, देन अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, यानी तब आप एबीसी का कोई यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढेंगे, अनगिनत वैल्यूज मिलेगा आपको। जब चेक करके देखें इसका कोएफिशिएंट्स वाला जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है कि नहीं है, लेट अस एक्सपेंड दिस, 14 माइनस 21 माइनस 7 प्लस 9 टाइम्स 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 8 यानी माइनस 7 प्लस 7 टाइम्स 24 माइनस 14 10, ये माइनस 9 टाइम्स है 7 और माइनस 1 टाइम्स 7 है, यानी माइनस 10 टाइम्स 7 हो गया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो कैंसिल आउट हो गया और ये चेक हो गया कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होमोजीनियस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। या देखें हम लोग इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके, ए प्लस 8 बी प्लस 7 सी बराबर 0, दूसरा था 9 टाइम्स ए प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 3 सी बराबर 0, और तीसरा था 7 ए प्लस 7 बी प्लस 7 सी बराबर 0। अब जो हम लोग इसका चेक कर लिए हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तब हम इसका सॉल्यूशन ए बी सी का वैल्यूज नहीं ढूंढते हैं, अब ए बी सी का सिर्फ अनुपात ढूंढेंगे। हम इसमें से कोई दो इक्वेशन को ले लें, हम इन दोनों को लेकर के और क्रैमर्स रूल लगा देते हैं, ए बटे 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, बी बटे 3 माइनस 9, सी बटे 9 माइनस 2, यानी कि एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एक रेशियो निकल गया, ए बी सी नंबर्स इसी रेशियो में होगा 1:6:-7। इसको अगर हम कुछ के मान लें, जहां की के कोई भी एक रियल नंबर है, तो हम यही पता लगाए कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाला जो ट्रिपलेट है वो 1K, 6K और -7K टाइप का नंबर्स है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तब कहता है कि 3 बटे ओमेगा टू दी पावर ए प्लस 1 बटे ओमेगा टू दी पावर बी प्लस 3 बटे ओमेगा टू दी पावर सी का वैल्यू निकालिए,
where omega is e raised to the power I times 2 pi by 3, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है. यही इंपॉर्टेंट बात है फॉर a इक्वल टू 2. a का वैल्यू 2 चुनना है. अगर हम a का वैल्यू 2 चुनेंगे तो b का वैल्यू हमको 12 लेना होगा एंड c का वैल्यू -14 लेना होगा. और अब हम जवाब दे देंगे 3 बटे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बटे ओमेगा टू द पावर 12 प्लस 3 बटे ओमेगा टू द पावर -14 का वैल्यू हमको चाहिए. s बोल रहे हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको. हम अगर ऊपर नीचे एक ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ओमेगा रह गया. ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है. ये ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 है तो ये 1 है सिर्फ. और ये न्यूमरेटर में लिख लीजिए ओमेगा टू द पावर 14, ओमेगा टू द पावर 12 हो गया 1, बच गया ओमेगा स्क्वायर. अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, 3 टाइम्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसको -3 लिख सकते हैं, प्लस 1 बचा -2. दैट इज द आंसर. x बराबर लिखा है a प्लस बी प्लस सी. यहां a बी सी x y z दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉन जीरो, माने किसी को जीरो मत समझिएगा. y बराबर लिखा है a प्लस बी टाइम्स ओमेगा प्लस सी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर. यहां ओमेगा वही है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी e टू द पावर i 2 पाई बाई 3 या e टू द पावर -i 2 पाई बाई 3. जब तक स्पेसिफाई नहीं करें कि किसको ओमेगा बोल रहे हैं, इधर वन को ओमेगा कह सकते हैं. जेड बराबर इतना दिया हुआ है. क्वेश्चन, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर. एक्स वाई जेड आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर. डिवाइडेड बाय मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड जी स्क्वायर का वैल्यू बताइए. ए बी सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये दिया है और ये पूछा है. मॉड एक्स का स्क्वायर कैसे निकलेगा? अगर एक्स को हम एक्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी को हम ए प्लस बी प्लस सी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, और मॉड वाई का स्क्वायर उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट विच इज ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट. ओमेगा कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, सी कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर के कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं ओमेगा, और मॉड जेड का स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी टाइम्स ओमेगा. मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट विच इज ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट इंटू ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट विच इज ओमेगा प्लस सी कॉन्जुगेट टाइम्स ओमेगा का कॉन्जुगेट विच इज ओमेगा स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है और तीनों को एड करना है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर प्लस मॉड जेड का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर ले, ए ए बार विच इज मॉड ए का स्क्वायर, बी बी बार मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस बी ए बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार. यहां मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर आएगा ही, ए ए बार बी बी बार इंटू ओमेगा क्यूब है तो 1 हो जाएगा, सी सी बार इंटू ओमेगा क्यूब है 1 हो जाएगा, प्लस ए बी बार
इंटू ओमेगा स्क्वायर है। यहां जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर तो आएगा ही, बी ओमेगा स्क्वायर इंटू बी बार ओमेगा इज मॉड बी स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यू, ए बी बार ओमेगा आएगा। अब ए बी बार का टर्म वहां यहां और इसमें, तीनों को देखिए ध्यान से, हमको सबको ऐड भी करना है, ये सब टर्म यहां भी आएगा, पर इन तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जुट के जीरो हो जाएगा। इसी तरह से एसी बार को भी आप यहां अगर देखें, केवल एसी बार को देखिए, तो प्लस एसी बार वाला टर्म इनटू ओमेगा, और यहां देखिए एसी बार वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर के साथ है, जो तीनों ऐड करके जीरो हो जाएगा। इस तरह से सारा जीरो हो जाएगा और ऐड करने पर सिर्फ बचेगा राइट हैंड साइड थ्री टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर एंड लेफ्ट साइड मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर एंड हेंस द रिजल्ट दिस बट दिस बराबर थ्री। एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागॉन है, एक रेगुलर ऑक्टागॉन है, रेगुलर मतलब सब साइड बराबर हो और सारा साइड सेम एंगल सबटेंड करता हो सेंटर पे, एट साइडेड पॉलीगॉन को ऑक्टागॉन बोलते हैं। इस तरह से सब सेंटर पे कितना कितना एंगल सबटेंड करेगा, सारा एंगल मिला करके 2π है, 8 साइड्स है और सब इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, यानी ईच एंगल जो सबटेंड करेगा वो 2π/8 यानी π/4 फिर π/4 फिर π/4 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 इस तरह का एक पॉलीगॉन है, इसको हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। ईच एंगल ईच साइड विल सबटेंड एंगल 2π/8 दैट इज π/4 एट द सेंटर। तो एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है 1/a1-2i, 1/a2-2i, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रेसिप्रोकल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर a8-2i, वेयर a1, a2, a8 आर प्योरली रियल नंबर्स, समथिंग प्लस आई टाइम समथिंग, समथिंग प्लस आई टाइम समथिंग का रेसिप्रोकल, यानी जितना भी वर्टिसेस सब है ना इस ऑक्टागन का आर्गन प्लेन में, सबका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन दिया है, सब इस टाइप का है 1/a-2i, सारा वर्टिसेस का रिप्रेजेंटेशन इसी टाइप का है रेसिप्रोकल। अगर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर दें a प्लस 2i से, यानी सारा वर्टिसेस का जो रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट्स है वो a/a²+4, 2/a²+4 टाइप का है, जहां a 8 प्योरली रियल नंबर्स दिया है। क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द ऑक्टागन। एक ऑक्टागन का जो एरिया है, खाली हमको ये लंबाई मालूम हो जाए ना सेंटर से उसके किसी एक वर्टेक्स का, ये सारा वर्टिसेस को से पास करता हुआ हम एक सर्कल इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का वर्टिसेस एक सर्कल पे लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन है। अगर हमको उस के किसी एक वर्टेक्स का दूरी मालूम हो जाए सेंटर से, यानी उस सर्कम सर्कल का रेडियस मालूम हो जाए, तब एरिया निकल जाएगा ऑक्टागन का, क्योंकि तब उसका एक ये वाला जो सेक्टर है उसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग, हाफ दिस इनटू साइन ऑफ पाई बाई फोर, हाफ आर स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई फोर, इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया निकल जाएगा ऑक्टागन का। एक ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ना, हाफ ए बी साइन सी,
किसी भी दो साइड का लंबाई पता हो और उन दोनों के बीच का एंगल, एरिया निकलता है हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ दिस इंटू साइन ऑफ पाई बाई फोर, एक का निकल गया, आठ से गुना कर दिया। सिर्फ यही हमको साबित करने जा रहे हैं आपको कि जितना भी वर्टिसेस है इसका, वो सब एक सर्कल पे लाइक करता है जिसका रेडियस बता देंगे क्या। देखिए आप सारा कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए ना, इसी टाइप का है जहां ए एक वेरिएबल है, यानी सारे वर्टिसेस का एक्स कोऑर्डिनेट इस टाइप का है एंड वाई कोऑर्डिनेट इस टाइप का है। अगर इन दोनों में से हम वेरिएबल ए को एलिमिनेट कर लें तो हमको एक कर्व का इक्वेशन मिलता है। क्या मिलेगा देखिए, हम इन दोनों को डिवाइड करते, पहले लेफ्ट हैंड साइड x बटे वाई बराबर a बाई टू, यानी a के जगह हम 2x बाई वाई डाल दें, किसी में इसमें डालते हैं x टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 मस्ट इक्वल a 2x बाई वाई, यानी एक x कैंसिल आउट कर दें, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है, एक 4 है बाहर में कॉमन ले लें, इक्वल टू 2 बाई वाई, तो इधर 2 बचेगा, इधर एक y बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर, सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस हाफ वाई बराबर 0। जितना भी वर्टिसेस दिया हुआ है ना ऑक्टेगन का, वो सारा वर्टिसेस का जो x और y कोऑर्डिनेट्स है वो इस तरह से संबंधित है। तो आप इसको देख के समझ गए कि दे ऑल विल लाई ऑनली ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर होगा 0,1/4 और रेडियस होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी यानी 1/4। अब हम एरिया निकाल लेंगे खाली रेडियस की जगह 1/4 डाल के, 8/2 4 हो गया इंटू 1/16 इंटू साइन ऑफ 45 degree विच इज 1/√2, सो 1/4। एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन है, मोड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। हाँ मतलब एक सर्कल का बात हो रहा है जिसका सेंटर है 3 प्लस 2y और रेडियस है 2, उस सर्कल के अंदर में लाई करने वाला पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है। 3,2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम इस्तेमाल कर लें, अगर 3,2 और रेडियस 2, ऐसा सर्कल 3,2 और रेडियस 2, ये बहुत जरूरी है ये समझ, यानी ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, दूर होगा, x एक्सिस को टच करेगा। तो ये 3 प्लस 2y सेंटर है और रेडियस है 2, उसके अंदर में लाई करने वाला सारा पॉइंट्स का बात कर रहा है या सर्कमफरेंस पे भी। देन फाइंड द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ दिस नंबर, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस 5/2i, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी का हमको लीस्ट वैल्यू निकालना है। ये जो पॉइंट है 3 माइनस 5/2i, 3 कॉमा माइनस 5/2, यहां पे पॉइंट है वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म्स में हम लिखेंगे तो ये 3,2 पॉइंट है और ये 3,-5/2 पॉइंट है। क्या चीज निकालना है, तो देखिए z एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कल के अंदर में कहीं है या सर्कमफरेंस पे भी है, और आपको निकालना है z से इस पॉइंट का दूरी, स्मॉलेस्ट दूरी निकालना है।
इसमें कोई भी पॉइंट लीजिए तो इस पॉइंट से जो दूरी है अलग अलग पॉइंट का अलग अलग है, जो नियरेस्ट पॉइंट है वही ये है, यही पूछा है। सो दैट डिस्टेंस इज 5/2, इससे निकट कोई पॉइंट नहीं है। अब फार्देस्ट पॉइंट पूछेगा तो वो वाला है, इसका डायमीटर हो गया 4 + 5/2, वो फार्देस्ट पॉइंट हो गया। नियरेस्ट पॉइंट का दूरी हो गया 5/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इसका हो सकता है विच इज 5। एक मैट्रिक्स दिया है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स है 1, 1, 1, और जो डायगोनल का जो लोअर हाफ है वहां ओमेगा 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 स्क्वायर लिखा, और अपर हाफ में 3 नंबर एबीसी है जिसके बारे में लिखा है कि दे बिलोंग टू द सेट कर्ली ब्रैकेट ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर, यानी इन 3 नंबर्स के स्थान पे सिर्फ 2 ही नंबर में से कोई लिखना है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। फाइंड नंबर ऑफ सच नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मैंने एबीसी के स्थान पे देखिए यहां पे 2 चॉइस है आपके पास भरने का, यहां भी 2 यहां भी 2, यानी कुल मिला के आप 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं, पर उनमें से कुछ मैट्रिक्स होगा जो सिंगुलर होगा, कुछ जो नॉन सिंगुलर होगा, वही गिनती करके बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ सच नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, तो पहले इट शुड बी क्लियर कि हम कुल 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनमें से नॉन सिंगुलर कौन कौन है खोजना है। तो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, दिस इज व्हाट नॉन सिंगुलर मींस। हम पहले एक रिलेशन ले आते हैं एबीसी में, तब डाल डाल के देखेंगे। 1 × 1 − ωc + a × ω² c − ω + b × ω² − ω² दिस शुड नॉट बी 0। 1 − a ω और c ओमेगा वाले टर्म को इकट्ठा करें, a प्लस सी टाइम्स ओमेगा प्लस ए सी टाइम्स ओमेगा स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बस हम इसी पे ध्यान दें नॉन सिंगुलर होने के लिए, ए बी सी का वैल्यूज मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, बी है ही नहीं कहीं, यानी बी को जो मन सो रख सकते हैं, बी के जगह ओमेगा लिखिए ओमेगा स्क्वायर लिखिए, जो कंडीशन है वो ए और सी पर है। तो हमको 4 केस केवल चेक करना होगा, ए का वैल्यू ओमेगा सी का वैल्यू ओमेगा, फिर ए का वैल्यू ओमेगा सी का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, एक बार ए का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर सी का वैल्यू ओमेगा, और लास्ट में दोनों ओमेगा स्क्वायर, देखते हैं किस केस में 0 आता है किस केस में नहीं। हम अगर दोनों को ओमेगा ले लें तो ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रह जाएगा, और यहां 1 − 2 ω² ये तो 0 नहीं हुआ क्योंकि 1 + ω का वैल्यू होगा −ω² और ये तब हो जाएगा −3 ω², तो ये 0 नहीं हुआ। हम अभी केस 1 डिस्कस किए हैं जिसमें ए और सी दोनों के वैल्यू को ओमेगा लिए, अगर दोनों के वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर ले ले तो 1 − 2 ω³ हो जाएगा यानी −2, और ω² × ω² × ω² ω⁶ यानी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाना है, ये 0 वाला केस है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम a बराबर ओमेगा लेते हैं एंड c बराबर ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा + ω²
जिसको हम माइनस वन लिख सकते हैं, तो ये वन प्लस ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वन इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फिर जीरो हो जाएगा। सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ए के जगह ओमेगा स्क्वायर लेंगे और सी के जगह ओमेगा, तो वो सिमिलर सिचुएशन दिख रहा है, उस केस में भी इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी ए और सी के जगह पे आप सिर्फ ओमेगा और ओमेगा डाल सकते हैं और कुछ नहीं, और बी के जगह जो कि दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। सो उन आठ में से दो मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, अब बाकी छह है जो सिंगुलर है। Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उनके बारे में। राइट हैंड साइड रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, हम उसको पोलर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जाना पहचाना है इसलिए हम तुरंत लिख दिए, हाफ माइनस आई टाइम्स रूट थ्री बाई टू, वही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा स्क्वायर जिसको बोलते थे, जिसका आर्ग्यूमेंट इधर से टू पाई बाई थ्री था, उधर से फोर पाई बाई थ्री, तो हम उसको ई टू द पावर आई टाइम्स माइनस टू पाई बाई थ्री लिख दिए तुरंत। लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है और राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग डिवीजन के बारे में यही सीखे हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसको ऐसे लिखते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग जेड वन माइनस आर्ग जेड टू, ये इंपॉर्टेंट था। यहां Z2 बटे Z1 का हम आर्ग्यूमेंट पूछें कि कितना होगा, तो आर्ग Z2 माइनस आर्ग Z1, यानी जो डिवीजन ऑपरेशन हम लोग डिफाइन किए थे वो कॉम्यूटेटिव नहीं था, Z1 बटे Z2 का मतलब कुछ और, Z2 बटे Z1 का मतलब कुछ और। अब प्रोडक्ट में था, हम लोग सीखे थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड पूछें तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, एन आर्ग्यूमेंट पूछें तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स, तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, जबकि डिविजन ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो यहां पे न्यूमरेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, सो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 बटे Z2 माइनस Z3 दिया हुआ है इक्वल टू वन, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है वो दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 बटे Z2 माइनस Z3 दिया हुआ है माइनस टू पाई बाई थ्री। या अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते तो हम यहां पे Z2 माइनस Z3 बटे Z1 माइनस Z3 इक्वल टू प्लस टू पाई बाई थ्री लिखते, यहां भी मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 बटे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इक्वल टू वन लिखते, यहां तो फर्क नहीं पड़ा। यानी इसी स्टेटमेंट को अगर हम इस तरह से एक्सप्रेस करें, केवल इस नंबर को पॉजिटिव बनाने के लिए कर रहे हैं, तो यहां जो जानकारी दिया है वो जानकारी को जरा ध्यान से देखिए, दो जानकारी यहां है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, देयर आर टू इंफॉर्मेशन गिवन, इसका मैग्नीट्यूड वन है और इसका आर्ग्यूमेंट टू पाई बाई थ्री। इसको जरा सिंप्लीफाई करें, इस स्टेटमेंट से हम निष्कर्ष निकाले कि मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3 बटे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू वन, यानी मॉड Z2 माइनस Z3 इक्वल्स मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3, और इसको लिख सकते हैं आर्ग ऑफ Z2 माइनस Z3 माइनस आर्ग ऑफ Z1 माइनस Z3 इक्वल टू 120 डिग्री।
हम लोग यही सीखे ना डिवीजन के बारे में, एक बार फिर से सुन लीजिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर दें Z1/Z2 और इसका मैग्नीट्यूड पूछे कितना होगा, तो इट इज इक्वल टू Z1/Z2 होगा। वही यहां पे हम इस्तेमाल किए हैं प्रॉपर्टी, मैंने इस स्टेटमेंट को इस रूप में जो लिखे हैं वो क्लियर होना चाहिए और इस स्टेटमेंट को इस रूप में लिखे हैं, क्योंकि हम लोग यही सीखे थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 इक्वल टू होगा argz1 - argz2, नॉट टू बी फॉरगॉटन, क्योंकि आपको ना कुछ निष्कर्ष निकालना है इस क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट दिया है, आप पूछा है कि तब बताइए कि ये Z1, Z2, Z3 जो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो रिप्रेजेंट करता होगा तीन पॉइंट्स को आर्गन प्लेन में, जो कि चार विकल्प है। पहला एक ट्रायंगल होगा विथ जीरो एरिया, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स होगा। दूसरा विकल्प है कि राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा, मतलब राइट एंगल होगा और उसका दो साइड परपेंडिकुलर और बेस लंबाई में बराबर होगा। तीसरा इक्विलैटरल होगा और चौथा ऑब्ट्यूज एंगल्ड आइसोसेलिस होगा, मैंने आइसोसेलिस होगा लेकिन ये वाला एंगल दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चार में से जो विकल्प सही लगे वही टिक करना है। तो इस स्टेटमेंट से क्या क्या जानकारी आप निकाल सकते हैं, बस यही दो बात, अब इसी पे आधारित अपना जवाब दे देंगे। यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन Z3 है और यहां एक Z1 और एक Z2, इसी को हम कहते हैं Z1 - Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हम लोग सीखे हैं। अगर इस पॉइंट का कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन Z3 है, इसका Z1 है, तो Z1 - Z3 मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो एरो है, और Z2 - Z3 Z2 को एक पॉइंट होगा, Z2 - Z3। अब ये दोनों लंबाई में बराबर है इस स्टेटमेंट के अनुसार और एंगल में अंतर 120 डिग्री का है दोनों में। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 - Z3 यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द रियल एक्सिस से जो झुकाव है उसका आर्ग्यूमेंट, दिस माइनस दिस यानी इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये थोड़ा और ऐसे झुका दीजिए Z2 - Z3 को, अब आपको दिख गया होगा कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसका E वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसमें ऐसे लिखे होते Z1 - Z3 = I, तब हम इसी सवाल को पूछे होते, फिर वही करना है, इसको पोलार फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, आपको सब कुछ दिखने लगेगा, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने Z2 - Z3 / Z1 - Z3 का वैल्यू दिख रहा है और argz2 - z3 - argz1 - z3 दिख रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगुलर सेपरेशन पे है और मैग्नीट्यूड में बराबर है, ये Z3 है, ये Z1 है, ये Z2 है, दिस इज Z1 - Z3, दिस इज Z2 - Z3, तो ये राइट एंगल्ड होता है इस स्थिति में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 मैग्नीट्यूड 12 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है Z2 - 3 - 4i = 5, यानी आपको इसको देख के समझ जाना है कि Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है जो जीरो ओरिजिन पे जिसका सेंटर हो और 12 रेडियस का एक सर्कल, इन सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, Z1 इसी पे कहीं है, Z2 3.4 सेंटर ले लीजिए, ये 12 है तो 3.4 अंदर ही में पॉइंट होगा और उसका रेडियस है 5, यानी ये रेडियस है ओरिजिन से पास करता हुआ, 5 रेडियस का है यानी
10 डायमीटर होगा, तो ये सर्कल भी कंप्लीटली कंटेन्ड होगा इसी सर्कल के अंदर, क्योंकि उसका रेडियस 12 है, सारा पॉइंट उसके सर्कमफेरेंस पे ओरिजिन से 12 यूनिट्स की दूरी पर है। तो ये एक सर्कल दिया है 3.4 सेंटर और रेडियस 5, इसी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे पॉइंट सब है कहीं से एक्स। और अब क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब z1 z2 के बीच का दूरी। z1 इसी पे कहीं पे लाइक करता है, z2 इसी पे कहीं, तो नियरेस्ट डिस्टेंस यही होगा। अगर हम एक कॉमन नॉर्मल बना पाए जो दोनों के सेंटर से पास करता हुआ लाइन होगा, वो कॉमन नॉर्मल होगा, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि निकल गया ये 10 है और ये 12, तो द आंसर इज 2। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z1 माइनस z2 इज 2। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है w माइनस w बार टाइम्स z, नॉट ओमेगा, w बार बटे 1 माइनस z, और क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है उसको प्योरली रियल बोलते हैं। एंड डू यू रिमेंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो का मतलब जेड माइनस जेड बार बटे 2i बराबर जीरो, यानी जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो, यही मतलब होता है प्योरली रियल। जैसे ही कोई बोलिएगा ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, हम तुरंत इतना बराबर इतना का कॉन्जुगेट लिख लेंगे, w बार माइनस w टाइम्स z बार, कॉन्जुगेट ले रहे हैं हर कॉम्प्लेक्स नंबर पे, हम हर नंबर पे बार डाल रहे हैं, 1 बार माइनस z बार, यही दिया हुआ है। सवाल आगे कि यहां पे w एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आई बीटा, वेयर बीटा इज मॉड जीरो। ऐसा बोलने का एक ही मतलब होता है कि w को अगर बीटा जीरो ले लीजिएगा तब तो w एक प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। तो कहना चाह रहा है कि w एक प्योरली रियल नंबर नहीं है, सम कॉम्प्लेक्स नंबर है, हैज सम इमेजिनरी पार्ट फॉर श्योर। और z यहां पे 1 नहीं है, हाँ ठीक है, z 1 होता तो ये मीनिंगलेस एक्सप्रेशन हो जाता, डिनोमिनेटर में 0, रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तब चार विकल्प में से एक टिक करना है। एक लिखा है कि z प्लस z बार का वैल्यू 0 होगा, इसी को सिंप्लीफाई करना है, करते करते जो आ जाए। दूसरा विकल्प z माइनस z बार का वैल्यू 0 होगा, मॉड z का वैल्यू इक्वल टू मॉड w होगा, अब मॉड z का वैल्यू 1 होगा। कोई बुद्धि नहीं लगाना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, w माइनस w z बार माइनस w बार z प्लस w बार इंटू z z बार, विच इज मॉड z का स्क्वायर। राइट हैंड साइड w बार माइनस w z बार माइनस z w बार प्लस w mod z स्क्वायर, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गया और सब टर्म को एक तरफ इकट्ठा करें तो w इंटू 1 माइनस mod z स्क्वायर प्लस w बार इंटू मॉड जेड स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से w माइनस w बार इंटू 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर बराबर। अब w माइनस w बार इज अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां मिलेगा हमको 2i बीटा टाइम्स 1 माइनस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 0 है नहीं बीटा,
मतलब है कि यही जीरो है, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी मॉड जेड इक्वल टू वन। हाँ, जेड इज नॉट इक्वल टू वन लिखा है, मॉड जेड कैन बी वन। जेड नॉट इक्वल टू वन का मतलब ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जेड, पर वन रेडियस के सर्कल पे तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, मॉड जेड इक्वल टू वन तो हो सकता है। यानी इस बात को सिंप्लीफाई करते करते हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए। चलिए ठीक है, समाप्त।